फ्रेंड्स वेलकम टू माय न्यू वीडियो फ्रेंड्स, इस इमरजेंसी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस तरह से आप जानते हैं कि नीट 2024 का एप्लीकेशन क्लोज हो चुका था, मगर बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई नहीं किया था। इस वजह से उन बच्चों ने NTA यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी वालों से रिक्वेस्ट की थी कि फिर से रीओपन कर दें एप्लीकेशन को। तो उस लिहाज से जो है नीट एप्लीकेशन रीओपन हो चुका है। मैं ऑनलाइन में हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से रीओपन हुआ है। तो इसका जो वक्त दिया गया है वो सिर्फ 2 दिन का दिया गया है, यानी 9 और 10 तारीख को। कल यानी 10 तारीख चाशुबा रात 10:50 तक आपको जो है नीट एप्लीकेशन डालने के लिए यानी सबमिट करने के लिए वक्त दिया गया है। तो आप कल यानी 10 अप्रैल 2024 को रात 10:50 के अंदर नीट का एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, जिन बच्चों ने अभी तक सबमिट नहीं किया है। तो आज का दिन तो निकल गया है, वीडियो बनाने के लिए थोड़ा लेट हुआ है। अभी मैंने न्यूज़ देखी और मैं ऑनलाइन पर हूँ, और जिन बच्चों ने अभी तक नीट का एप्लीकेशन सबमिट नहीं किया है उनको मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि जल्दी से आप, अगर आपने नीट एप्लीकेशन सबमिट नहीं किया है तो जल्दी से जाएँ ऑनलाइन में। कल रात 10:50 के अंदर आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट के साथ नीट का एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो आप थोड़ा देख लें कि नीट एप्लीकेशन किस तरह से रीओपन हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर नीट के होम पेज पर हूँ। आप देख सकते हैं क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन होगा। यहाँ पर देखिए कैंडिडेट न्यू कैंड रजिस्टर हियर, जब आप से क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इस तरह से देखिए यहाँ पर रीओपन हो चुका है। कल तक आपको वक्त रहेगा, तो आप जो है जल्दी से जो है एप्लीकेशन अपना सबमिट कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक जो है ऑनलाइन में नीट एप्लीकेशन सबमिट नहीं किया है उनको 1 दिन का वक्त दिया गया है। कल रात 10:50 के अंदर, 10 अप्रैल 2024 रात 10:50 के अंदर आप नीट एप्लीकेशन फिर से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसे रीओपन कर दिया है।